बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों से जुड़े हैं, हम अलग-अलग लोगों के बीच स्थापित करना चाहते हैं, जो समान धर्मा लोग हैं, समान तरह का कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक जीवंत संवाद स्थापित हो, और जिस मुहिम में हम सब लोग लगे हुए हैं, एक ऐसा समाज बनाने की मुहिम जिसमें पढ़ने लिखने वाले लोग हों, सोचने विचारने वाले लोग हों। महेश कुमार जी, आपका भी स्वागत, नमस्कार। हम चाहते हैं कि हम मिलजुल कर एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें सहिष्णुता हो, एक दूसरे को सुनने का धैर्य हो, संवाद करने की एक पहल हो, संवेदनशीलता हो, विवेकशीलता हो, और कुल मिलाकर एक लोकतांत्रिक समाज जिसमें हम सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करें। ताकत है, उस ताकत को स्थापित करें। दिनेश कर्नाटक जी भी उपस्थित हो गए हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप इस ग्रुप से जुड़े हैं। और मैं चाहूंगा कि आज की जो हम बातचीत करें वो एक संवाद हो, दोहरा संप्रेषण हो। आप लोगों की ओर से भी जो बात आए, प्रश्न हो, उन सबको लेकर हम आगे बढ़ें। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। राम किशोर जी, नमस्ते सर। तो आज हम जिस विषय पर संवाद करने जा रहे हैं वह है सृजनशीलता को प्रोत्साहित करने में शिक्षक, अभिभावक और स्कूल की भूमिका। बड़ा महत्वपूर्ण विषय रखा गया है जन सरोकार मंच के द्वारा। मैं इस मंच से जुड़े सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज यह अवसर उपलब्ध कराया है आप सभी लोगों से संवाद स्थापित करने का। देवेंद्र जोशी जी, सबसे पहले इस विषय पर बातचीत रखते हुए मैं इसके पहले ही शब्द पर आना चाहूंगा, सृजनशीलता। बहुत बड़ा शब्द है और उसकी व्यापकता को शायद स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन संक्षेप में यह समझना बहुत जरूरी है कि किसे कहते हैं हम सृजनशीलता। कुछ लोग इसके लिए रचनात्मकता का इस्तेमाल करते हैं, शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हमें यह स्पष्ट करना होगा कि सृजनशीलता है क्या। अक्सर जब भी इस शब्द का प्रयोग होता है तो जो छवि हमारे मन मस्तिष्क में बनती है तो वो कुछ इस तरह से है कि जब हम सृजन शब्द या सृजनशीलता का प्रयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में साहित्य, कला, संगीत से जुड़ी हुई गतिविधियां आती हैं। हमें लगता है कि सृजनशीलता वही है जो एक
साहित्यकार के अंदर होती है, एक कलाकार के अंदर होती है, एक चित्रकार के अंदर होती है, एक संगीतकार के अंदर होती है। लेकिन यह सृजनशीलता का काफी सीमित दायरा है। सृजनशीलता केवल इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ी हुई नहीं होती है। सृजनशीलता जीवन के हर क्षेत्र से और उसकी हर गतिविधि से संबंध रखती है। केवल साहित्य, कला, संगीत के क्षेत्र में कार्य कर लोग ही सृजनशील नहीं होते हैं, जैसा कि हम मान लेते हैं कि जो कविता, कहानी लिख रहा है वही सृजनशील है, या कोई चित्र बना रहा है, या सिनेमा बना रहा है, या गीत संगीत से जुड़ा है। ये जरूर इस क्षेत्र के लोग सृजनशील कहलाते हैं, लेकिन सृजनशीलता हमारे जीवन के हर गतिविधि से जुड़ी हुई है। अब बात आएगी, यदि सृजनशीलता हर गतिविधि में है तो फिर एक सामान्य गतिविधि और सृजनशीलता में अंतर क्या है? तो यहां पर एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जब हम सृजनशीलता की बात करते हैं, हम जीवन में सृजनशीलता की बात करते हैं, तो उसका सीधा सा अर्थ है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए उसमें क्या नवीनता है, हम किस नए तरीके से इस कार्य को कर रहे हैं, जो एक बधा बधाया ढांचा है उस कार्य को करने का, हटकर हम जब किसी कार्य को करते हैं तो वही सृजनशीलता है। यह सृजनशीलता में खाना बनाते हुए भी हो सकती है, खेल के मैदान में खेलते हुए भी दिखाई दे सकती है, या कोई श्रम करने वाला व्यक्ति है, वो मजदूर हो, चाहे वो खुदाई का काम कर रहा है, चिनाई का काम कर रहा है, या जूते सिलने का काम कर रहा है, ये तमाम क्षेत्र, इनमें यदि नए तरीके से अपने काम को वो एक नए तरीके से अंजाम देता है तो वो सृजनशील है। इसलिए एक दृष्टि इसमें बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए इस संदर्भ में कि हर वह गतिविधि जो हम नए तरीके से करते हैं, हर वो काम जो हम जिसमें नवीनता होती है, मौलिकता होती है, एक नए, वो सारा सृजनशीलता के अंतर्गत आता है। इसलिए जहां आज हम जिस आगे बढ़ाएंगे वो इस रखते हुए ही आगे बढ़ाएंगे कि सृजनशीलता के क्षेत्र का उसको, और इस रूप में जब हम सृजनशीलता को देखते हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में गतिविधियों से जुड़ी हुई जो भी नई बात होती है वो सृजनशीलता के अंतर्गत आती है, रचनात्मकता कहलाती है। तो अब सवाल आता है कि क्या सृजनशीलता किसी किसी में ही होती है? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सृजनशीलता तो एक जो लोग लिखने का कार्य करते हैं, जो लोग संगीत से जुड़े हैं, जो चित्र बनाते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो गॉड गिफ्टेड है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इस पर हमें विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सृजनशीलता किसी किसी ही व्यक्ति में होती है। सृजनशीलता मानव का एक स्वाभाविक गुण है। यदि हम अपने इतिहास में, अतीत में जाएं, तो जहां से हमने विकास किया, मानव सभ्यता के विकास को देखें, तो वो आग की खोज, पहिए या मकान, घर का बनना, खेती का होना, का बनना, ये सब अपने आप में सृजनशीलता है। और इस
हर व्यक्ति सृजनशील होता है। सृजनशीलता मानव का स्वाभाविक गुण है। हां, यह जरूर है कि के विकसित होने के लिए, उसके प्रस्फुटित होने के लिए एक वातावरण की आवश्यकता होती है। इसलिए हर आदमी, हर व्यक्ति लेखक नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति संगीतकार नहीं होता है, हर व्यक्ति कलाकार या अन्य क्षेत्रों में, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर रहा। तो उसके पीछे यही कारण है कि वातावरण नहीं मिलता है। और जहां तक बच्चे का सवाल है, आप देखेंगे कि हर बच्चा सृजनशील होता है। अब बच्चे की गतिविधियों, बच्चों को देखिए, उनके खेल देखिए, उनके चित्र देखिए, उनकी बातें देखिए, बोलना शुरू करता है, वहां पर वो एक नए नवीनता होती है उसके बोलने में आती है। या कोई पत्थर है तो आप देखेंगे कि वो दीवारों में किस तरह से तमाम तरह की आकृतियां बनाने लगते हैं। और आप खेलों को देखिए, बच्चों को। मुझे बड़ा सुखद आनंद होता है जब मैं देखता हूं कि एक ऐसी जगह पर जहां पर बच्चों के खेलने के लिए कोई अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं, वहां पर भी बच्चे अपने खेल ढूंढ लेते हैं। जिस परिस्थिति में बच्चा रहता है, आप एक बंद कमरे में बच्चे को रख दीजिए, आप पाएंगे कि थोड़ी देर बाद बच्चे उसी से कोई खेल ढूंढ दे रहे हैं, वहां पर अपना अपने तरह का खेल करने लग जाते हैं। जो वस्तुएं उनको मिलती हैं वो उन्हीं से अपना आपस में खेल शुरू कर देते हैं। अकेले में भी बच्चा, आप समूह में तो छोड़िए, अकेले में भी आप देखेंगे कि बच्चा चुपचाप कभी नहीं बैठा रहता है, शांत कभी नहीं होता है, वह निरंतर कुछ न कुछ करता रहता है। और उसके करने में एक नयापन भी होता है। ऐसा आप नहीं पाएंगे कि सारे बच्चे एक ही तरह करते हो, ऐसा आप कभी नहीं पाएंगे। आप बारीकी से उसका अवलोकन कीजिए, आप पाएंगे कि अपने आप में हर बच्चे अलग अलग गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके भले ही उसका मूल्य या उसकी उपयोगिता हमारे लिए बहुत अधिक न होती हो। एक उपयोगितावादी समाज में, एक उपभोक्तावादी समाज में हमें वो गतिविधियां सामान्य सी लगती हों, बेकार सी लगती हों, लेकिन यदि आप देखेंगे उन गतिविधियों के बारे से, तो उसमें बच्चे की सृजनशीलता अभिव्यक्त होती है। वो शब्दों के द्वारा है, उसके कामों के द्वारा होती है। तो इसलिए यह कहना कि वह किसी किसी में होती है, यह दरअसल सृजनशीलता की एक गलत समझ होगी। पहले तो हमें यह मानना पड़ेगा कि सृजनशीलता हर बच्चे में होती है। जिस तरह से हर बीज में अंकुरण की क्षमता होती है, मैं बच्चे को बीज की तरह देखता हूं, बीज की अपनी क्षमताएं होती हैं, उसी तरह बच्चे की भी अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी रुचि, अभिव्यक्ति, अभिवृत्तियां होती हैं। और वहीं से उसका विकास होता है। जिस तरह से बीज के अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, तब बीज अंकुरित होता है। अन्यथा, अब कुछ ये कहेंगे भाई अंकुरण बीज का स्वाभाविक गुण है, तो उसको तो अंकुरित होना ही होना चाहिए। यदि बच्चे का स्वाभाविक गुण सृजनशीलता है तो हर एक में होनी चाहिए बिना कारण।
जिस तरह से बिना पानी हवा और धूप के बीज अंकुरित नहीं होते हैं, उसी तरह से अनुकूल वातावरण पाए बिना बच्चों की सृजनशीलता भी विकसित नहीं होती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है और बाद में वो एक मनुष्य एक बड़े के रूप में जब सामने आता है तो यदि बचपन में वो चीज़ें नहीं विकसित हो पाई हैं तो बाद में धीरे धीरे हम पाते हैं कि वो एक यांत्रिक रूप में बदल जाती हैं, मनुष्य एक यंत्र में बदल जाता है। तो इसलिए वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। और जब हम शिक्षक की भूमिका, स्कूल की भूमिका की बात करते हैं, परिवार की भूमिका की बात करते हैं, तो यहां पर वातावरण सृजक की होती है। उसको जिस तरह की सृजनशीलता आप चाहते हैं कि हो उसके अंदर, जिस क्षेत्र में बच्चा अच्छा करे आपकी जो, तो उस क्षेत्र में आपको अनुकूल वातावरण देना पड़ेगा और उस वातावरण को पाकर बच्चे के भीतर की सृजनशीलता प्रस्फुटित होने लगती है। तो इसलिए ये बड़े अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए अभिभावक शिक्षकों की भूमिका होती है। निश्चित रूप से हमें उसको प्रोत्साहित करना पड़ता है, अन्यथा वो धीरे धीरे जो सृजनशीलता है, जो स्वाभाविक गुण है बच्चे का या मनुष्य का, यदि अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है तो वह कुंद हो जाती है और वह यांत्रिकता में बदल जाता है। जिस तरह से बीजों को अंकुरित होने के लिए यदि अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलेंगी तो बीज धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसी तरह से मैं बच्चे को भी देखता हूं, इसलिए मैं यह मानता हूं कि इसमें परिवार और स्कूल को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाना पड़ता है। और आज यदि हम जिस तरह का समाज हो गया है, जिसमें हमारे पास बहुत कम समय दिया है बच्चों के साथ काम करने का, जिस तरह की तमाम तरह के दबाव एक बाजारवादी व्यवस्था ने पैदा किए हैं, उनके चलते सृजनशीलता भी धीरे धीरे कुंद होती जा रही है। माफ करना। तो अब मैं आता हूं कि उसके प्रोत्साहित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जिस वातावरण सृजन की बात मैं कर रहा हूं, एक माहौल बनाने की जो मैं बात कर रहा हूं, उसको कैसे हम बना सकते हैं, हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, इस संदर्भ में मैं कुछ अपने अनुभवों को भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन शुरुआत में जो उसके मूल में है, के विकास के मूल में जो बात है, मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा। देखिए, आनंद सबसे मुख्य तत्व है। जब तक हमें किसी कार्य को करते हुए आनंद नहीं महसूस होता है तो हम सृजनशील नहीं हो सकते हैं। किसी ऐसे काम को करते हुए हम कुछ भी नया नहीं कर पा सकते हैं जो काम हमें पसंद नहीं है। वो आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे कार्य में लगे हैं जो आपको आनंद देता है तो आप निश्चित रूप से उसमें कुछ नया करेंगे। थोड़ी देर के लिए यदि आपको लिखने में आनंद आता है तो स्वाभाविक है आप केवल यांत्रिक लेखन नहीं करेंगे, केवल कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि आप उसमें नए नए प्रयोग करेंगे।
और ये नए प्रयोग अपने आप में रचनात्मकता है, अपने आप में सृजनशीलता है, और इसके पीछे आनंद है। आपको उसमें आनंद आता है इसलिए आप उस काम को करते हैं। आपको कविता लिखने में आनंद आता है, अपने को अभिव्यक्त करते हैं, साहित्य सृजन करते हैं, या संगीत में आपका शौक है, उस सब के पीछे आनंद है। तो इस आनंद को हम बच्चे के अंदर सृजनशीलता विकसित करने के लिए एक मूल तत्व के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहला प्रयास तो हमें यह करना पड़ेगा कि उसको ऐसा वातावरण दिया जाए जिस वातावरण में वह उस काम को करते हुए आनंद की अनुभूति करे। उसको यदि पढ़ने में आनंद आएगा तो निश्चित रूप से वो पढ़ेगा। उसको किसी दूसरे काम में आनंद मिलेगा तो उस काम को करेगा। और इसलिए हम पाते हैं कि बच्चों को सबसे अधिक आनंद आता है और इसलिए बच्चे सबसे ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। इसीलिए खेल में वो और बेहतर भी कर पाते हैं यदि उसमें वो आनंद पा रहे हैं। तो पहली बात तो हमें इस बात का ध्यान रखना। और आनंद कब आता है? जब वो अपने रुचियों के अनुकूल होता है, अपने जो कार्य उसमें आनंद आता है। तो हम जिस क्षेत्र में चाहें कि हमारे बच्चे सृजनशील हों, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस क्षेत्र में बच्चे की रुचि है या नहीं। और रुचियों का जहां तक सवाल है एक बच्चे के संदर्भ में, मुझे लगता है वह भी विकसित की जाती हैं। अपने आसपास बच्चा जो देखता है, जो सुनता है, उसमें धीरे धीरे उसकी रुचि विकसित होने लगती है। जबकि हम उसमें चीजें थोपे नहीं, तब यदि हम उस काम को करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, उसमें दबाव डाल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि बच्चा उसमें रुचि लेने लगे। यहां पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो रुचि उसके अनुभव क्षेत्र की व्यापकता और उसके प्रति हम बड़ों की प्रतिक्रिया, इस पर भी डिपेंड करती है, इस पर भी निर्भर करती है। जिस कार्य को प्रशंसा पाता है और वो देखता है कि दूसरे लोग जिन कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं उसकी ओर उसकी रुचि बढ़ती है। तो यहां पर हमें आनंद को मूल में रखते हुए अब बच्चे को आनंद कैसे आएगा, किन कामों को करते हुए आएगा, इस बात का ध्यान। तो मुझे लगता है बातें बच्चे के आनंद का कारक बनती है। पहली बात है, दूसरी है स्वतंत्रता, और तीसरा तत्व मैं मानता हूं संवाद। ये रुचियों को बनाती भी हैं, आनंद देती हैं, और बच्चे को सृजनशीलता की ओर बढ़ाती हैं, उसकी सृजनशीलता को प्रोत्साहित करती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सृजनशील हों, तो आप बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करें, एक ऐसा वातावरण प्रदान करें जो भयमुक्त हो और जिसमें किसी काम को करते हुए बच्चे पर दबाव न बनाया जाए, उसको अपना कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए। करने की स्वतंत्रता सबसे पहले है। जब हम उसको कुछ करने की स्वतंत्रता ही नहीं देंगे तो उसको करते हुए बच्चा आनंद भी नहीं महसूस करेगा और उसमें भी नहीं ढूंढ पाएगा। तो सब बच्चे
निर्णय लेने दीजिए कि वो क्या करना चाहता है, और जो वो करना चाहता है उसे करने दिया जाए। अब यहां पर बात आएगी कि बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि भाई स्वतंत्रता देने से हो सकता है बच्चे गलत कार्य की ओर बढ़ जाएं, वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्वतंत्रता देने का मतलब अब वो बच्चों की ओर अब ध्यान देना ही नहीं है, भाई जो कर रहे हैं करने उनको करते रहने दिया जाए। दरअसल ये दोनों ही बातें नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब बच्चे को स्वतंत्रता देने का मतलब यह भी नहीं है जो उसकी मर्जी है वो करता रहे, कि उसकी ओर ध्यान ही न दिया जाए। स्वतंत्रता के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात और जो मैंने कही है वो है संवाद। बच्चों के साथ संवाद का होना भी बहुत आवश्यक है, उसके प्रश्नों का स्वागत किया जाना बहुत जरूरी है। विविध क्षेत्रों के बारे में लगातार बच्चों से बातचीत होनी चाहिए परिवार के अंदर, स्कूल में खूब बात होनी चाहिए। आप बच्चे से जितना अधिक संवाद करेंगे बच्चा उतना अधिक आपके करीब आएगा और आपकी बातों को सुनेगा और साथ ही खुद को अभिव्यक्त भी करेगा। तो इसका लाभ यह होगा कि आप बच्चे के मन को पढ़ पाएंगे, उसके भीतर क्या चल रहा है ये समझ पाएंगे, उसके प्रश्नों का जिज्ञासाओं को आप बढ़ाएंगे, उसको खोजने की ओर प्रेरित करेंगे। तो स्वतंत्रता के साथ साथ एक खुला संवाद होना भी बहुत जरूरी है। जिन परिवारों में स्वतंत्रता तो दी जाती है लेकिन संवाद नहीं होता है तो वहां बच्चे गलत दिशा में भी जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जो अनुभव संसार होता है वो बहुत छोटा होता है। उनको अभी बहुत सारी बातों के संदर्भ में ये पता नहीं होता है कि क्या कौन सा रास्ता सही है कौन गलत है। तो ऐसे वक्त में उनके हो सकता है वो कोई एक गलत बात को लेकर आपसे बहस कर रहे हो और उसको करना, तो यदि आप केवल बच्चे को चुप करा देते हैं अपनी ताकत के बल पर अपने भय से तो वो उस काम को नहीं करेगा, यह तो हो सकता है। लेकिन यदि वो कन्विंस नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो बातें उसके भीतर रहेंगी और जब वह आपके भाई की छाया से दूर होगा तो फिर से उन बातों को करने लग जाएगा। तो यहां पर जरूरी है कि ऊपर संवाद कीजिए, उसको उसके लाभ हानियों से परिचित कराइए, और जब आप उस बारे में विस्तार से बात करेंगे तो बच्चे की समझ में यह बात आएगी कि उसे उस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या और वो किताब कुछ इस तरह से है कि वो बच्चे के अंदर गलत आदतों को या गलत विचारों को पैदा कर रही है तो वो हो सकता है उन विचारों का। यहां पर आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, अपना पक्ष रखिए, बच्चों को दूसरे उसके काउंटर में जो विचार हैं उनको पढ़ने के लिए कहिए, तर्क कीजिए बच्चों के साथ, बहस कीजिए, और बहस करते हुए उसे एक दोस्ताना व्यवहार रखिए, और बहस करते हुए ये हमेशा इस बात से बचिए कि आप उसको कुछ सिखाना चाह रहे हैं या उसको एक खास दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, बल्कि खुली बहस कीजिए। तो मेरा विश्वास है
बच्चे उसको स्वीकार करेंगे। यहां पर उनके अंदर नीर शीर का विवेक पैदा होगा। और दूसरी ओर यदि आप उसको अपने भय के बल पर या अपनी सत्ता के बल पर उसको चुप करा देते हैं, बहुत आसान है बच्चों को चुप कराना, वो चुप तो हो जाएंगे लेकिन उनके भीतर सृजन एक द्वंद्व बना रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चों को स्वतंत्रता दी जाए, आजादी दी जाए, अपने निर्णय लेने की आजादी दी जाए, अपने काम उनको अभिव्यक्त होने की आजादी दी जाए। बहुत बार डर के मारे बच्चे को नहीं कह पाते हैं, तो ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है कि वो अपने को अभिव्यक्त कर पाए। सब के लिए उनको अवसर दिया जाए, अवसर की भी स्वतंत्रता होनी बहुत जरूरी है। करने के लिए अवकाश नहीं दिया जाएगा, उनके पास समय नहीं होगा, तो तब भी सृजनशीलता विकसित नहीं हो सकती है। यह हम बहुत अधिक देख रहे हैं, जिस तरह से बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है, बस्ते के बोझ से मेरा आशय केवल उसके वजन से नहीं है। बस्ते का बोझ जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब उसके पढ़ाई